हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जनवरी के मंथ में रिलीज हुई मूवीज के कुछ हिट और फ्लॉप और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 1947, यह तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा मूवी थी। मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में राणा डग्गुबती, रजीना कसेंड्रा और नसर दिखाई दिए थे। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 7 जनवरी 2022 में रिलीज हुई। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 15 करोड़ और इस मूवी को रिलीज हुए अब तक 13 डेज हो चुके हैं और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है सिर्फ 8 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है। नंबर 2, रावड़ी बॉयज, यह तेलुगु लैंग्वेज की कमिंग ऑफ एज कॉलेज ड्रामा मूवी थी। मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में आशीष रेड्डी, अनुपमा परमेश्वरन हमें दिखाई दी थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था दिलराजू ने और यह मूवी बेसिकली कॉलेज कैंपस पर आधारित रोमांटिक एक्शन मूवी थी और इस मूवी से आशीष रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत की। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 14 जनवरी 2022 में रिलीज हुई और इस मूवी को अभी तक रिलीज हुए 8 डेज हो चुके हैं। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 15 करोड़, उसने अब तक कलेक्शन किया है सिर्फ 6 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है। नंबर 3, हीरो, यह तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी मूवी है। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में अशोक गल्ला और निधि अग्रवाल हमें दिखाई दी हैं। मूवी का डायरेक्शन किया है आदित्य ने और यह मूवी 15 जनवरी 2022 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट है 5 करोड़ और इसे रिलीज हुई को 6 डेज हो चुके हैं और इसने अभी तक कलेक्शन किया है सिर्फ 2 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है। हालांकि आने वाले समय में यदि यह मूवी कोई अच्छा या थोड़ा बहुत ऊपर कलेक्शन कर पाती है तो शायद यह बिलो एवरेज का टैग हासिल कर पाए। नंबर 4, बंगार राजू, यह रोमांटिक एक्शन मूवी है। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में नागार्जुन, नागा चैतन्य, रम्या कृष्णा और कीर्ति शेट्टी दिखाई दी हैं और इस मूवी का डायरेक्शन किया है कल्याण कृष्णा कुरासाला ने और यह नागार्जुन की 2015 में आई मूवी की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 14 जनवरी 2022 संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई थी। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट है 35 करोड़ और अब तक यह मूवी 7 डेज में कलेक्शन कर चुकी है 61 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और अभी तक यह और ज़्यादा कलेक्शन कर रही है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह मूवी आने वाले दिनों में 100 करोड़ क्लब में भी शामिल हो जाए और क्या पता यह डबल ब्लॉकबस्टर मूवी का भी टैग हासिल कर ले। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो था तेलुगु मूवीज़ पर। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं जल्दी आपको एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।